अभी मैंने बोला बिजली वालों को, बिजली वालों को सौभाग्य योजना, बिजली के बिल ठीक नहीं आ रहे हैं, मेरी रोज लड़ाई होती है। दिशा की बैठक को मैंने बड़ी खिंचाई करी कि भाई बिल के पीछे लोग दौड़ते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ कमियां हैं, कुछ कुछ शिकायतें, लेकिन 70% काम ठीक हुआ, 30% ठीक होने की आवश्यकता, पर काम तो हुआ। पहले तो कुछ नहीं होता था, याद करिए कितना जनरेटर चलता था, मार मट्टी का तेल और मार डीजल हवा प्रदूषित कर देता था, जिनको दमे मरीज थे वो तो सांसें नहीं ले पाते थे। आज के जनरेटर चलता है क्या? इल्ले मैं तो बात कह सकती हूँ, मैंने भी बहुत पहले एक वो आगरा वाले जनरेटर मंगाते थे हम लोग, याद करिए ये थोड़ा सस्ता पड़ता था, और अब तो जनरेटर की आवाज ही लगभग बंद हो गई है। कभी कभी करना पड़े 20 घंटे 22 घंटे 18 घंटे 16 घंटे बिजली तो मिल रही है। और आपके मेजा में 400 केवी का आपका विद्युत स्टेशन भी, सब स्टेशन भी बनाता है इसी दौर में, 3 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ। सिरसा में जो मंडी थी उसका नवीनीकरण हुआ, उसमें कैपेसिटी अनाज जो है उसको रखने की उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई, हमारे मंत्री आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। काम हो रहे हैं और काम होंगे भी। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप खुद को, आप एक तो सतर्क रहिए, जब सड़क बन रही थी अगर तभी हमको बता देते तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, तभी बता देना चाहिए था। तो चलिए खूब सतर्क रहिए, देखिए जब काम शुरू हो तभी पकड़ो। अभी अगर वहाँ पर सांसद जी का कहीं बाहर से फोन आया था, एक सड़क पे हम जरा पुराव में अड़े हुए हैं, 40 करोड़ की सड़क पर 10 करोड़ का घोटाला होने की संभावना है, सब काम रुकवा दिया, मार सिफारिशें आ रही हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी किस्मत से मैं उस सड़क पे चली गई एक दिन, 3 महीना पहले मैंने देख लिया और काम रुक गया। अगर आप लोग सतर्क होकर काम शुरू होते ही मुझको बता दें कि काम सही है कि नहीं है, अब एक सड़क ठीक बन रही है एक नहीं बनी है, तो फिर देखिए सरकार का भी पैसा बचता है उसमें, क्योंकि सब जगह सांसद के लिए विधायक के लिए ताकना आसान नहीं है। हमारी आंखें आप हैं, हमारी खबर आप देंगे। अब ये ना कि सरकार का पैसा तो जाए दे, ऐसा मत करिएगा। अब कोई भी काम हो आप निगरानी करिए, और मैं आपको वचन देती हूँ कि सवाल खराब काम हो नहीं, चाहे मेरे ही फंड का पैसा क्यों ना हो, चाहे सांसद निधि का ही क्यों ना हो, सांसद निधि में भी पैसा हम काम के लिए देते हैं, इससे नहीं देते हैं कि उसकी खवाई हो जाए, और एक पैसा छूना मेरे लिए पाप है। तो मैं कहती हूँ आपसे, आप ये मत सोचना सांसद निधि का पैसा है बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, कुछ नहीं, अगर खराब काम होगा उखाड़ फेंकूंगी, एक पैसा नहीं मिलता, ये मेरा वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ नया साल आ रहा है, खूब खुश रहिए, नाचिए गाइए, लेकिन थोड़ा दूर दूरी बना बना के, खूब हम लोगों का बहुत साल बाद लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इसको, नया साल हम सब के लिए शुभ हो, बहुत अच्छा हो। नगर निकाय के चुनाव रुक गए हैं, होंगे 2-4 महीने बाद, उसकी भी तैयारी करनी है, और साथ ही साथ हमें अपने कौशल को बढ़ाते हुए सरकार की योजनाओं में अपना योगदान भी देना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, शशि जी का फिर से स्वागत है, और जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पाई उनके लिए मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये जरूर कहूंगी कि बहुत ही जीवंत विधानसभा है, और खास तौर से उर्वा के लोग मेजर तो थोड़ा भैया बड़े तो ठीक है, तो जो तेज है वो दूसरों को भी साथ लेकर चले, और जो सब लोग आगे एक साथ बढ़िए। धन्यवाद, जय भारत माता की जय।